एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो कि हनुमान चालीसा में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। आप में से कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उस दोहे को पढ़ते हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने उस चीज को खोज लिया था। तब जाके 18वीं शताब्दी में जब ये मॉडर्न साइंस आई, तब उसने उस चीज की डिस्कवरी करी। तो क्या चीज है, जब एक आप दोहा पढ़ते हो हनुमान चालीसा में तो आता है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। तो यहाँ पे वो कुछ बताना चाह रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो चलो देखते हैं कि वो क्या फैक्ट है, क्या रहस्य बताया गया है ब्रह्मांड के बारे में। तो जुग का मतलब होता है, एक जुग में होते हैं 12,000 साल। तो इसमें होते हैं आपके 12,000 साल। और एक सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 साल, इसमें होते हैं आपके 1,000 साल। और जोजन का मतलब होता है, एक जोजन में होते हैं आपके 8 मील। तो जब आप इन तीनों को गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका आता है 9,60,00,000 माइल्स। तो ये आपका आएगा 9,60,00,000 माइल्स। और एक माइल में होते हैं आपके 1.6 किलोमीटर। तो अगर आप 1.6 किलोमीटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 15,36,00,000 किलोमीटर। 15,36,00,000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर। तो आप देख सकते हो, अगर आप इसे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्थ और जो सन की जो डिस्टेंस है, जो पृथ्वी और सूर्य की जो डिस्टेंस है, वो करीबन 15,36,00,000 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो 16वीं शताब्दी में उनको ऐसा ज्ञान था कि उन्होंने विदाउट टेक्नोलॉजी की हेल्प लिए हुए उन्होंने ही पहले ही बता दिया कि जो अर्थ और सन की डिस्टेंस। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी संस्कृति में है कि जिसने पहले ही यूनिवर्स के बारे में बता दिया था, पहले ही हमारे वेदों में लिखा गया है कि इतने गैलेक्सी हैं, इस तरीका का यूनिवर्स है। तो आप देख सकते हो कितनी दूर दर्शिता थी उनकी। ऐसा क्या ज्ञान था हमारे कल्चर में कि जिससे वो इन चीजों को बता दे सकते थे और देख सकते थे। तो ऐसी ही कुछ पद्धति है, ऐसा ही कुछ हमारा कल्चर है जो कि अब धीरे धीरे जो उसका एग्जिस्टेंस है वो खोता हुआ नजर आ रहा है। तो क्यों ना हम जो ये युवा पीढ़ी है, हम अपना इंटरेस्ट लें इसकी तरफ, हम अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं और थोड़ा रिसर्च करें, जिससे कि जो हमारी ये जो हमारा कल्चर है वो फिर से स्टेप बैक करे, स्टैंड बैक करे, बाउंस बैक करे, और तब ही जाके हमारा जो ये भारत है सशक्त भारत बन सकता है, जब हम अपने कल्चर को लेकर के आगे बढ़े। तो ये सारी चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो ये फैक्ट है ये मुझे भी नहीं पता था। चॉक एंड डस्टर आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए, ये मूवी टीचर्स पे डेडिकेट की गई है। तो इसमें टीचर्स के कंडीशन के बारे में बताया गया है, इसमें जो पुराने टीचर हैं उन्हें इनकॉम्पिटेंस बता करके उन्हें स्कूल से निकाला जाता है। लेकिन जब उनका इंटरव्यू होता है और आप उस मूवी में देखेंगे कि किस तरीके से अपने आप को प्रूव करते हैं कि नहीं वो बेस्ट टीचर है। तो ऐसे ही बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये मूवी को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि मुझे भी नहीं पता था, शायद आपको भी नहीं पता होंगे। ऐसी एक फैक्ट जो मुझे पता चला कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में एक ऐसे ही सोल्जर हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो जो 1971 में वॉर हुआ था, तो उनका जो नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखू, केवल एक ऐसे सोल्जर हैं जिन्हें मिला गया। और उस टाइम पे पोस्टल स्टैम्प भी निकाले गए थे इनके उससे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप इनके बारे में और रिसर्च कर सकते हो और जान सकते हो।
तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड अच्छी मूवी नहीं बनाती है, बॉलीवुड में कई ऐसे मूवीज है जो अच्छी है, देखने लायक है, लेकिन आप ऐसे मूवी देखने के लिए जा नहीं रहे हो, आप ऐसी मूवी को प्रमोट नहीं करते हो, तभी जाके ये लाइट में नहीं आती। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी है, क्योंकि हम कस्टमर हैं और जो शॉपकीपर होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर वो चीजों को रखता है, तो आप जिन चीजों की डिमांड करोगे वो वैसी ही चीज प्रेजेंट करेगा। तो क्यों ना आप अच्छी चीजों को प्रमोट करो, अच्छी मूवीज को प्रमोट करो, जिससे कि एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाए, आपके जरिए उन मूवीज को बढ़ावा मिले, जिससे कि उनको भी एक मैसेज जाए कि हाँ लोग ऐसी मूवीज को भी अप्रिसिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी मूवीज बनाना बंद कर दिया, लेकिन आपने अच्छी मूवी देखना बंद कर दिया। तो आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और ऐसी मूवीज को प्रमोट करें। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसी और फैक्ट्स लेके आने वाला हूं अपनी अगली वीडियोस में। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर और अच्छी चीजें जो हमारे कल्चर के बारे में मुझे पता चलता है, तो मैं जरूर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आपका स्वागत है इस अथक फैमिली में। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस फैक्ट को, और आप मूवी देखना ना भूलें। और एक और मूवी है मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसका नाम है रससन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस भरी मूवी है, ये आपको जरूर देखनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बड़ा ही मजा आएगा। और अगर आप किताब पढ़ने का शौक रखते हैं और आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए रिच डैड एंड पुअर डैड से। तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप जाएं और जरूर इस बुक को परचेस करें और पढ़ें। और बहुत जल्द मैं बुक रिव्यूज के वीडियोस बनाने वाला हूं, अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्ते।